આજે બનાવવા જઈ રહી છું આ વાલ પાપડી, જેને કહે છે વાલોળ, બટેકા, ટમેટા, કાંદા અને આને બધાનું બનાવીશું. બહુ સરસ મજાની ભાજી. ઇસે સેમ કી ફલ્લી કહેતે હૈ, ઇસકો બનાને જા રહી હું. મેં યહાં પે સારી તૈયારી કર લી. ઇસકો હમને ઇસ તરીકે મેં छील लिया, आलू को काट लिया, प्याज को काट ली, सारा सामान हमने तैयार कर लिया. अब बनने जाएगी ये पापड़ी आलू की सब्ज़ी. कुकर में 2 चम्मच हमने तेल डाला, चूल्हे को ऑन करेंगे. तेल हो चुका, ये प्याज कटी हुई डालेंगे. ये अदरक को क्रश किया, लहसुन का पेस्ट है, ये हम इसमें डाल देंगे. आलू पापड़ी को हमने अच्छे से धो लिया, ये हम इसमें डालेंगे. खूब अच्छे से हम इसे भून लेंगे. अच्छे तरीके से तेल में पक जाए. सब्जी भी अच्छे तरीके से बनाओ तो सब्जी खाई जाएगी, और ऐसे ही सब्ज़ी बनी तो कोई सब्ज़ी को हाथ ही नहीं लगाता. बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से हमें ये सब्ज़ी बनानी पड़ती है. और ये भी सब्ज़ी बड़ी अच्छी बनती है. खूब अच्छे तरीके से तेल में भून चुकी है. अब इसमें हम ये टमाटर डालेंगे, चॉप किए हुए टमाटर. ये थोड़ा सा हम डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया हाथ का कूटा हुआ, और ये 1/2 चम्मच पड़ेगा जीरा पाउडर. आधी चम्मच ये हल्दी. और ये 1/2 चम्मच पीली मिर्च. आधा चम्मच ये मैजिक मसाला हाथ का कूटा हुआ. और ये सेंधा नमक. आप 1 चम्मच पिसा हुआ नमक डाल सकते हैं. ये थोड़ा सा हरा धनिया. ये देखिए, अब हम इसे एक सीटी लगा देंगे ताकि ये हमारी सब्जी अच्छे से बन जाए. ये देखिए, ये छोटी सी कटोरी का हम पानी ज़रा सा डालेंगे ताकि ये सब्ज़ी हमारी अच्छे तरीके से दम पर आ जाए और गल जाए. अब कुकर का ढक्कन करेंगे हम बंद. हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है. कुकर
खोल लेते हैं। सब्जी तैयार हो गई बिल्कुल। यह गार्निश हो रही है। अब आप ये बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है। ये देखिए बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी, देख सकते हैं आप। ये देखिए पापड़ी आलू की सब्जी बिल्कुल रेडी। ये देखिए अब आप जल्दी से फटाफट एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब और फॉलो। चलिए अब इजाज़त चाहती हूँ। शब्बा खैर।